हेलो गाइस अगर आपको अपने लिए बेस्ट गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपको जॉब रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं चलता तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल में मैं आपको लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के अपडेट्स देता हूं आज का जो जॉब अपडेट है इट इस फ्रॉम एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड एयर इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है सैलरी आपको वन लैक मिलेगा और उसके साथ अलावेंस बेनिफिट भी मिल रहा है जिन्होंने एम बी ए किया है वो एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करना है सेलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट नेम ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जिन्हें जॉब की अर्जेंट नीड है तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जॉब आपको मिल रहा है फ्रॉम एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड जो पोस्ट है वो है आपका मैनेजर का जिसका फील्ड है पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है वन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है दिल्ली और सैलरी आपको मिलेगा एटी फाइव थाउजेंड पर मंथ और उसके साथ अलाउंस मिलेगा ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड तो ओवरऑल सैलरी आपका वन लैख पर मंथ और आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा थ्री अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कैंडिडेट्स के पास एम बी ए डिग्री होना चाहिए और जिसका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इन पर्सनल एच आर या आई आर या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होना चाहिए वो भी टू ईयर्स कोर्स का या डिप्लोमा करना है आपको IR, इन पर्सनल मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स या आई आर और मिनिमम फाइव ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड तो क्या क्या फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए वो आप देख लीजिएगा मैं नोटिफिकेशन पी डी एफ का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो कैंडिडेट्स को पब्लिक सेक्टर यूनिट या गवर्नमेंट एंटरप्राइज में एक्सपीरियंस है उन लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और कैंडिडेट्स को मिनिमम पाँच साल का एक्सपीरियंस होना, होना चाहिए और उसमें से मिनिमम दो साल आप लोग का एज सीनियर ऑफिसर या मिडल मैनेजरियल पोजिशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है फिफ्टी ईयर्स और वो काउंट होगा फ्रॉम फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑनवर्ड्स और जॉब डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिएगा अब सेलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं पहले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन दर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फिर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है उन लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो इंटरव्यू का डेट है वो आप लोग को ई मेल के थ्रू या तो ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा आप देख लीजिएगा और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा जिसमें आप लोगों को ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटो कॉपीज लेके आना है और आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जिसमें आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और अगर सब कुछ सही निकला तो फाइनली आप लोग को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर द जॉब और ये जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जाए आप लोग को स्टार्टिंग में थ्री इस के लिए रखा जाएगा फिर उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अनदर टू ईयर्स के लिए इंक्रीज किया जाएगा या एक्सटेंड किया जाएगा आप देख लेते कैसे अप्लाई करना है अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका नोटिफिकेशन पीडीएफ के साथ दिया हुआ है आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और बाय पोस्ट सेंड करना है जो पोस्टल एड्रेस है वो है आपका मैनेजर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एम टू कंपनी सेक्रेटरी ए आई एसेट होल्डिंग लिमिटेड रूम नंबर टू जीरो एट सेकेंड फ्लोर ए आई रिजर्वेशन बिल्डिंग सफदर जंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पिन कोड है डबल वन ट्रिपल जीरो थ्री और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट आपको पहुंच जाना चाहिए वो है सेवेंथ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग को अटैच करके सेंड करना है वो है क्लास टेंथ पास मार्क्सिट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट आईडी प्रूफ एज प्रूफ आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सब अटैच करके आप लोग को सेंड करना है और उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए ऑफ रूपीज फाइव हंड्रेड एज एप्लीकेशन फीस और याद रखना एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स मिसमैच नहीं होना चाहिए अगर मिसमैच हुआ तो आपको डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप मत करना और अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो दैट इज़ डब्ल्यू 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 डॉट ए आई ए एच एल डॉट इन या डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एयर इंडिया डॉट इन या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं आपका हेल्प कर दूंगा तो ये था जॉब अपडेट फ्रॉम एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड ये एयर इंडिया लिमिटेड के अंडर आता है इस जॉब के लिए सैलरी अच्छा मिल रहा है उसके साथ अलाउंस बेनिफिट भी मिल रहा है तो अगर आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए तो प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जो एलिजिबल है इस जॉब के लिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स ऑन जॉब रिक्रूटमेंट